साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी किसान यूनियन की टीम आज हमारे थाना भवन में पहुंची है और जो हमारे राशिद अली जोगी थे जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था बॉडी बिल्डिंग में, उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारी टीम यहां पर पहुंची है। सबसे पहले तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर रामचरण कुंडीर जी भी हमारे बीच पहुँचे हैं, धन्यवाद देता हूँ इनका और मैं चाहूँगा कि ये दो शब्द कहें। भाई, सबसे पहले तो हमारा जो बेटा है राशिद उसे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे लिए यह एक हर्ष का विषय है, पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे थाना मोहन कस्बे के लिए, ये एक जोगी समाज के लिए नहीं पूरे क्षेत्र और जिले के लिए लेकर नाम रोशन किया है। और मैं तो एक बात कहना चाह रहा है कि सभी बच्चे राशिद भाई से कुछ सीख लें और आगे बढ़ने की तैयारी करें। देखो, हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव साहब ने बताया कि ये सिर्फ मुस्लिम जोगी समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए एक खुशी की बात है और उसी खुशी को जाहिर करने के लिए आज ये यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचे थे। हमारे बीच में हमारे अंकित गौतम जी भी मौजूद है, नगर महासचिव, और मैं चाहूँगा कि दो शब्द ये भी कहें। हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे भाई राशिद भाई जो चैंपियन बॉडी में जो जीत के लाए हैं तो हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, तो ये बधाई के पात्र है और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है जिला शामली ने थाना भवन से। राशिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, हमारे अंकित गौतम जी ने राशिद अली जोगी को मुबारकबाद पेश की और इसका हौसला बढ़ाया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मास्टर लियाकत जी भी हमारे बीच मौजूद है जो किसान यूनियन में जिला सचिव के पद पर रहकर कार्य कर रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि वे उनकी क्या राय है इस बारे में। तो भरा नहीं है भाव से जिसमें रस की धार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसके सब देश का प्यार। बहुत बढ़िया। इस राशिद बेटे ने हमारे कस्बे की नाक को ऊंचा किया है, हम सबको ऊंचा किया है, प्रदेश को ऊंचा किया है, जिले को ऊंचा किया है, हम सबका सम्मान बढ़ाया है। ये जीत के नहीं आया बल्कि हम पूरे कस्बेवासी जीत के आए। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके पद की गरिमा को रखते हुए सब बच्चे इनसे कुछ सीख सीखे। देखो, मास्टर जी ने एक शेर के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। यानी कि ये जो आज उत्सव हासिल किया है ये अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने जैसा ही कार्य है, इसलिए हमें अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे देश का, समाज का और जो है हमारे कस्बे का नाम ऊंचा रहे। अब हमारे बीच हमारे नगर अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी अनिल कुमार जी भी मौजूद है, उनसे भी चाहिए कुछ बात कहें। आज राशिद भाई को जो दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग में प्रथम स्थान मिला है उसके लिए हम सब किसान यूनियन के लोग इनको हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। इन्होंने कस्बा थाना भवन किया, पूरे जिले का नाम रोशन किया है, इनको हम सभी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आगे भी इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अनिल भाई ने इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और हम भी यही दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये आगे बढ़े। जाविर मलिक और हमारे बीच मौजूद जाबिर मलिक साहब जिला महासचिव हमारे बीच मौजूद है और इन्होंने भी राशिद अली जोगी का हौसला बढ़ाया है और मैं चाहता हूं कि वे भी दो शब्द कहें। राशिद भाई के लिए बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है भाई, हम इनके भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं, जिले का नाम रोशन किया है, बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखो, जाबिर मलिक साहब ने भी इन्हें बधाई दी और अब अंत में हमारे राशिद अली जोगी सनोफ असगर अली जोगी जो इनके फादर है जिनके आवास पर हम सब लोग यहाँ पर किसान यूनियन की टीम पहुँची है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वे भी अपने मतलब वे भी कुछ दो शब्द कहें। भाई देखो, हमारा तो ये कहना है, हम तो ये कहते आ रहे और कहते रहेंगे भाई, हर बच्चा अपने कामयाबी की तरफ बढ़े, अपने देश का, अपने जिले का, अपने कस्बे का और समाज का नाम ऊंचा करें, यही कहना है हमारा। भी गलत एकदारियों से बचे और सही रास्ते पर चलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है समाज को, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए।
बिल्कुल।